और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे, लखनऊ से खबर। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर आज फिर सुनवाई होगी। कल कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। सर्दी की छुट्टियों के बावजूद आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कुछ ही देर बाद सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा या मिलेगी तारीख, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कई दिन सुनवाई टली है। टलने के बाद कल माना जा रहा था कि कल इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी, लेकिन आज की तारीख दी गई। शीतकालीन अवकाश होने के बावजूद भी आज स्पेशल कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। अब आज ये कोर्ट फैसला सुनाता है, तारीख मिलती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को पहले से पुख्ता कर लिया है और अब इंतजार किया जा रहा है तारीखों के ऐलान का। कोर्ट की ओर से आज क्या कहा जाएगा ये देखना होगा। क्या निकाय चुनाव जनवरी में होंगे या फिर आगे के लिए टल जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला, और फैसला सुनाता है या फिर आगे के लिए रिजर्व रखा जाता है ये भी देखना होगा। तो निकाय आरक्षण का पेच सुलझेगा या उलझ जाएगा, इस पर आज फैसला हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। निकाय चुनाव पर आरक्षण पर आज सुनवाई होनी है, छुट्टियों के बावजूद आज सुनवाई हो रही है। स्पेशल कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। अब से कुछ ही देर बाद डे टू डे बेसिस पर सुनवाई लगातार जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है और इसी की वजह से तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। कोर्ट की ओर से स्टे दिया गया, कई बार सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। नियमों का पालन नहीं करने की दलील भी दी गई है, ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन ना करने की दलील दी गई है। इसके साथ साथ वैभव पांडे की याचिका पर सुनवाई होनी है। 5 दिसंबर को चुनौती दी गई थी दोनों पक्षों की, हाईकोर्ट में अपनी अपनी दलील रखी गई। फैसला नहीं हुआ तो इंतजार और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो निकाय आरक्षण का पेज फंसा हुआ है, अब ये पेज सुलझता है या उलझ जाता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर में कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। 5 दिसंबर को चुनौती दी गई थी, उसके बाद कई बार कोर्ट की हियरिंग हुई और स्टे लगा दिया गया। चलिए अब शैलेश का रुख कर लेते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। शैलेश, कितनी देर बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, फैसला क्या होगा, इस पर तो सभी की नजरें हैं। देखिए 10:15 का समय जो है वो तय किया गया है आज कोर्ट में सुनवाई का। स्पेशल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और 23 तारीख को जब शाम को लगभग 6:30-7 बजे ये केस टेकअप हुआ तो कोर्ट का जो रुख था उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आज इस पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ किया कि अगर यहाँ पर जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो इस निकाय चुनाव में चुने आते हैं वो सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आते हैं, 7 से 30 जनवरी के बीच में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में इन निकायों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, यानी कि और अर्जेंसी को आधार मानते हुए भी आज सुनवाई भी हो रही है। यानी ये मानकर चलिए आप कि आज इसमें कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। एक याचिकाकर्ता पंडित सीताराम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें, तमाम और याचिकाकर्ता भी हैं, बातचीत करते हैं कि बस अब से कुछ देर में ये सब लोग अंदर चले जाएंगे कोर्ट के, हम लोग कोर्ट के बाहर हैं। सीताराम जी, आप लोग की तरफ से क्या चीज़ें कही गई हैं इस याचिका में? याचिका में हमने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है सरयू महाजन बरसात मध्य प्रदेश और राव मिश्र महाराष्ट्र, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टी का टेस्ट कराए बिना आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते। सरकार ने उस पर कोई भी कार्य नहीं किया है और सरकार ने 2017 के हिसाब से एक रेपिड सर्वे कराया था जो पॉलिटिक्स के हिसाब से हुआ करता है, उसमें इन्होंने आरक्षण दे दिया है जो गलत है, क्योंकि तमाम नगर पालिकाएँ ऐसी हैं जो 95% से बराबर SC और OBC में जा रही हैं, उसमें जनरल लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी महाराजा की है, हापुड़ की है, तमाम नगर पालिकाएँ इस तरीके की, उन सबको लेके हमने रिच किए रिटर्न किए हैं। PIL जो यहाँ चल रही हैं 64 रिट यहाँ हैं, उसमें 11 PIL और बाकी सीटें हैं, उनमें डॉक्टर LP मिश्रा साहब जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं वो इन सबकी पहल कर रहे हैं। हम लोगों को ये उम्मीद है पूरी तरीके से कि निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं की जीत होगी और सरकार को सही आरक्षण देना पड़ेगा। आज क्या लगता है कुछ इस पे फैसला आ सकता है, क्योंकि कई दिन से सुनवाई हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है तारीख, लेकिन लगता है आज कुछ उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र का मामला है और इसे बता के नहीं बढ़ाया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव समय से कराए जाएं, उसी को बात को लेकर स्पेशल बेंच का यहाँ बनाई गई है जिससे आज छुट्टी के होने के बावजूद भी इस स्पेशल बेंच द्वारा इस कार्रवाई को सुना जा रहा है। निश्चित रूप से आज फैसला आना चाहिए, उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप पांडे। आपकी भी यहाँ पे याचिका? हमारी PIL है। क्या है आपकी PIL? हमारी PIL यही है कि जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति वर्सेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2010 का ऑर्डर था
उसके आधार पे उस ऑर्डर की अवहेलना करते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया है, क्योंकि उस ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि अगर राजनीतिक रूप से आरक्षण देना है तो ओबीसी के लिए हमें एक डेडिकेटेड आयोग बनाना पड़ेगा और उस आयोग के माध्यम से 3-लेयर टेस्ट सर्वे करना पड़ेगा। 3-लेयर सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उस रिपोर्ट्स के आधार पर राजनीतिक पिछड़ा कौन है उसके आधार पर पिछड़ेपन का जो है ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा। बल्कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो 2017 में रैपिड सर्वे किया है उस रैपिड सर्वे के आधार पे इन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण तय कर दिया है। तो मेरी जो पीआईएल है वो ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका जो है पालन नहीं किया, सिर्फ यही मेरा एक प्रश्न है। एक चीज़ कही जिस साथ कल कोर्ट में मामला जब टेकअप हुआ तो जो कोर्ट का रुख था वो तो देखकर ऐसा लगता है जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोर्ट भी चाहता है जल्द से जल्द मामले का निस्तारण हो, ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आज इस पर कुछ फैसले की? जी बिल्कुल, जज साहब ने साफ साफ कहा कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, 661 जगहों पर चुनाव होने हैं और इसको हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, इसलिए आज उन्होंने सैटरडे को भी छुट्टी के दिन जब भी सारे हाईकोर्ट बंद हैं तो आज उन्होंने स्पेशल आज कोर्ट बुलाया है 10:15 बजे सुनवाई, और मुझे लगता है आज इसका निर्णय निश्चित ही निकलेगा और बहुत कुछ संभावना है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ही निर्णय आना चाहिए। देखिए हम आपको एक चीज़ और बताएंगे गुंजन, हम इस समय हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर एक बड़ी सी LED स्क्रीन भी लगी हुई है, हम उधर कैमरा नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी और तमाम जो नियम हैं उनके तहत कोर्ट को हम नहीं दिखा सकते कैमरे में, लेकिन हम आपको ये बताएं अभी जब हम स्क्रीन पर पढ़ रहे थे तो आज की तारीख में वहाँ पर जो लिस्टेड केस की संख्या है वो सिर्फ एक है, यानी ऐसा लगता है कि आज सिर्फ इसी मामले की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और बेसब्री से इंतजार, चंद मिनट का इंतजार सभी को। एक और याचिकाकर्ता यहाँ पर मौजूद है, आइएगा जी, क्या नाम है आपका? सूर्यकांत यादव नाम है। आपकी भी यहाँ पर याचिका? जी हाँ। क्या आपकी याचिका है जो इन लोगों ने PIL किए वही या कुछ और? नहीं, इसी को लेकर के, सब लोग साथ में कनेक्ट हैं और जो सरकार ने गड़बड़ी करी है या ट्रिपल ट्रायल नहीं किया है या ओबीसी का गठन नहीं किया है और इस पंच वर्ष जो है सरकार ने क्या किया, आप 17 का सर्वे दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या 5 साल आपने कोई काम ही नहीं किया है? मेरा सिर्फ इतना कहना है जो इस साल का इस। तो यहाँ पर गुंजन आप देख सकते हैं जो तमाम याचिकाकर्ता थे उनसे भी हमने बात की यहाँ पर, उन्होंने साफ किया कि उनको उम्मीद है कि आज इसमें फैसला आ सकता है। अगर हम देखें 23 तारीख की जो कोर्ट की टिप्पणी थी जब शाम को लगभग 6:30 से 7:45 बजे केस टेकअप हुआ, पहले उसकी वजह भी बता दें। देखिए सबसे बड़ी वजह थी कि क्योंकि 23 तारीख यानी बीता हुआ जो कल की हम बात कर रहे हैं वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द ईयर था, यानी इस साल का अंतिम दिन कोर्ट में कामकाज का, जिसके चलते फ्रेश केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उन पर सुनवाई होती गई और उसके बाद ये केस टेकअप हुआ शाम को लगभग 6:30 से 7:45 के बीच में। जब ये केस टेकअप हुआ तो एक याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी कहा कि इस केस को 2 जनवरी को सुनवाई रख ली जाए, उन्होंने ये तर्क दिया इसके पीछे कि इस समय तमाम अधिवक्ता जो हैं वो अवकाश की वजह से बाहर है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया, कह लगे कि महत्वपूर्ण विषय, उन्होंने कहा कि जब हम छुट्टी के दिन कोर्ट में आ सकते हैं तो कुछ बलिदान आपको भी देना होगा। कोर्ट की ये जो लाइन है, कोर्ट की इसके अलावा जो टिप्पणी थी वो ये भी थी कि 7 जनवरी से 30 जनवरी के बीच सबका निकायों का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है और अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है चीज़ों को, तो कोर्ट की ये जो टिप्पणियां हैं ये साफ करती हैं कि कोर्ट चाहता है जल्द से जल्द इस फैसले का निपटारा हो और जो निकाय चुनाव की प्रक्रिया है वो आगे बढ़े, और यही वजह है कि आज जब स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो सबको ये उम्मीद है कि आज इस मामले में कोई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आ सकता है। चंद मिनट की बात है और उसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई हो जाएगी। तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसा नजर आता है कि आज सिर्फ इसी मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।